नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स टोल में स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हम जूनियर और सीनियर के साथ साथ 10th क्लास के वीडियो भी इसमें डालेंगे जो कि साइंस से संबंधित होंगे, और 10वीं क्लास की विज्ञान को आप आसान और सरल तरीके से अध्ययन कर सकोगे। उसी प्रकार हम आज आपके लिए 10वीं क्लास का ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम विज्ञान का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे विज्ञान में क्या क्या चीज़ें अपने जो दैनिक जीवन में काम आ सकती हैं, उनको कैसे अपने निजी जीवन में सरलता से अध्ययन कर सकते हैं और कैसे उनको पढ़ सकते हैं। इसी क्रम में हम आज रसायन विज्ञान का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये जो विज्ञान है ये 3 भागों में बंटी हुई है, जिसमें एक तो मैं ये कह रहा था आपसे कि अभी जो हमारे देश में लॉकडाउन की जो हालात बने हुए हैं, लॉकडाउन चल रहा है और भारत सरकार और अपना राजस्थान सरकार लगातार हमसे घरों में रहने के लिए अपील कर रहा है कि अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, तो उस चीज़ को अपने पूरी पालना करनी है और अपने सरकार के निर्देशों का पूरी तरीके से अच्छे ढंग से पालन करना है, किसी भी प्रकार से बाहर नहीं जाना है और घर में रहकर ही बच्चों को अच्छे से अच्छा मैटर तैयार करना है, जिससे आगे आने वाली आगामी क्लासों को जाने के लिए उनको सुलभता हो और कोई भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। और मेरा अभिभावकों से भी ये विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को ये चीज़ें देखने के लिए उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें कि उनकी क्लासों की जो आगामी अध्ययन है वो शुरू हो चुका है और 10वीं क्लास में प्रवेश करने से पहले अगर वो चीज़ें ये चीज़ें पढ़ लेंगे तो उन्हें जब क्लासें रेगुलर स्टार्ट होंगी स्कूलों में जाने के बाद में तो उन्हें इतनी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब मैं इसको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि वैसे तो पूरा लंबा चौड़ा सिलेबस है, ये लिखा करके ही करवाया जाता है, नोट्स बनवा करके तैयार करवाया जाता है, लेकिन मैं इसको इस ढंग से पेश कर दूंगा कि बच्चों को जब क्लासों में जाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि सर ने क्या बताया था, किस प्रकार से क्या कहा था और कैसे उन्होंने अपने को तैयार रहने के लिए बताया था और कैसे वो अपने अच्छे ढंग से उसको तैयारी कर सकते हैं, ये मेरा आपसे वादा है। तो इसको अच्छे ढंग से आप देखें, अच्छे ढंग से समझें और उसको बार बार आप रिपीट करें, वीडियो को देखें कि कौन से वीडियो में क्या बताया था, और अपने जब तक ये लॉकडाउन चलता है हम प्रत्येक कड़ी को लगातार क्रम से जोड़ते जाएंगे और सारे वीडियो लगातार अपलोड करते जाएंगे और पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। और आगे से आगे आप और अपने साथियों को भी इस चीज़ को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं, ताकि हमारा उत्साह बना रहे। हमारी पूरी टीम इस चीज़ पर काम कर रही है लॉकडाउन के तहत, जो 11वीं 12वीं फिजिक्स के वीडियो भी आ रहे हैं, 10वीं साइंस का वीडियो भी आ रहा है, अभी हम गणित के लिए भी इसमें संपर्क कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि गणित का वीडियो भी डाला जा सके। तो हमारी टीम ने ये सहयोग से जो काम कर रहे हैं उसमें आपका सहयोग भी हम चाहेंगे कि मिले, ताकि हम इस पर लगातार काम करते रहें। और इस चैनल को आप आगे से आगे सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं और शेयर करवाएं। तो आज हम अध्ययन करेंगे विज्ञान में एक ऐसी शाखा का, आप जैसे जानते हो बच्चों, क्लासों में भी हमने पढ़ा है और एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा कि 10वीं क्लास की जो विज्ञान है वो 3 भागों में बंटी हुई है। कितने भागों में बंटी हुई है? 3 भागों में। पहली जीव विज्ञान, जिसको अपने इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, दूसरी रसायन विज्ञान जिसको केमिस्ट्री कहते हैं, तीसरी भौतिक विज्ञान जिसको अपने फिजिक्स कहते हैं। ये 3 भागों से मिलकर के ये अपनी किताब बनी हुई है। यही चीज़ अपने 9th क्लास में देखते हैं जैसे आप पढ़ के आए हो, और यही मैटर सेम 10वीं क्लास में है जो हम अध्ययन करेंगे। और आज हम इस रसायन विज्ञान के पार्ट का जो मैटर है उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर मैंने, आप जैसे देख पा रहे हो, पाठ नंबर चैप्टर नंबर 5 लगाया है। ये इसलिए लगाया है क्योंकि 1 से लेकर के 4 जो लेसन हैं, 4 जो चैप्टर हैं वो बायोलॉजी के हैं, और बायोलॉजी एक ऐसा पार्ट है जिसको आप याद कर सकते हो और आसानी से समझ सकते हो, उसमें कोई ऐसी ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। 5 से लेकर के 8 तक जो चैप्टर हैं वो रसायन विज्ञान के हैं,
ये समझने वाला मैटर है, इसको आप अच्छे ढंग से क्लियर करोगे तो नंबर अच्छे आएंगे और आप उसको अच्छे ढंग से कवर भी कर सकते हो। और 9 से लेकर के 11 तक जो चैप्टर हैं वो भौतिक विज्ञान के हैं, उसमें भौतिकी का अध्ययन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अपने क्रम से क्रम लगातार पढ़ते जाएंगे, लेकिन पहले अपने विज्ञान की इस रसायन विज्ञान का जो भाग है उसका अध्ययन करेंगे और उन चैप्टरों का अपने बाद में अध्ययन करेंगे। तो अब आज आप जैसे देख पा रहे हो पाठ नंबर 5 जो है उसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन, अर्थात केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का क्या महत्व है इसको हम जानेंगे और सीखेंगे कि यह रसायन विज्ञान अपने जीवन में कहाँ कहाँ पर काम आती है। रसायन विज्ञान आप जैसे जानते हो कि आजकल जैसे अभी ये महामारी कोरोना चल रही है, इसमें भी विज्ञान को ऐसी कोई औषधि या कोई ऐसा विशेष योगदान नहीं मिल पा रहा है जिससे कि वो इसको लोगों को उभारने में मदद कर पाए, तो ये रसायन विज्ञान ही है जो इसकी दवाओं को बनाने में काम आती है। और भी प्रकार के बहुत सारे उपयोग रसायन विज्ञान के किए जाते हैं, दैनिक जीवन में विज्ञान का उतना ही महत्व है जैसे अपने नॉर्मली जैसे पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उतना ही ये दैनिक जीवन में विज्ञान अपने काम आती है। तो ये जो विज्ञान है ये आप देख पा रहे हो कि आजकल ये दवाइयाँ बनती हैं, गोलियाँ बनती हैं या जो भी चीज़ बनती है, ये इस रसायन विज्ञान का ही भाग है और रसायन के सहायता से ही वैज्ञानिक इन चीज़ों को क्रिएट कर पाते हैं और बना पाते हैं। तो ये जो चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन, इसमें अपने बुक में ये 4 नंबर का है, आप देख पा रहे हो ये कितने नंबर का आएगा, 4 अंक का आएगा। इस 4 अंकों में अपने जो बोर्ड के एग्ज़ाम में है उसमें 4 अंकों के क्वेश्चन इसमें से किए जाते हैं। और दैनिक जीवन में रसायन में पहला जो टॉपिक है वो है अम्ल, जिसको अपने अंग्रेजी भाषा में एसिड भी कहते हैं। अम्ल बच्चों एक ऐसा पदार्थ है या ऐसा तत्व है जो कि साधारण भाषा में अपने यदि बात करें तो इसकी पहचान इस प्रकार से की जाती है कि जो चीज़ें खट्टी होती हैं, जो खाने में जिनका स्वाद खट्टा होता है, वो सारी अम्लीय पदार्थों में आती है। जो चीज़ें खट्टी होती हैं या जिनमें खट्टापन महसूस करते हैं वो सारी चीज़ें अम्लों के अंदर आती हैं। अब परिभाषा की यदि अपने से बात करें इसमें, तो अम्ल शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के एसिड शब्द से बना है। अम्ल शब्द अंग्रेजी भाषा के किस से बना है, एसिड शब्द से बना है। जैसे यहाँ पर विदित है, आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है पहले से, यह एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसिडस, लैटिन भाषा के एसिडस एसिडस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खट्टा। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, खट्टा, अर्थात खटाई जिन चीज़ों में अपने महसूस करते हैं या खाने में जो चीज़ें खट्टी होती हैं वो सारे किस प्रकार किन चीज़ों में आती हैं, अम्ल में आती है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वही बच्चों अम्ल कहलाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तथा इनकी एक विशेष पहचान ये भी की जाती है कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। विशेष पहचान इनकी क्या होती है कि जो नीला लिटमस पत्र होता है उसको लाल कर देते हैं, ये विशेष पहचान है इसकी कि नीले लिटमस को ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लाल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये लिटमस पत्र है, ये रसायन विज्ञान की जो लेबोरेटरीज होती हैं, लैब होती हैं, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। उन पर जब अम्ल की बूंदें डाली जाती हैं तो ये जो नीले कलर का, ये 2 प्रकार के आते हैं, वैसे तो ये और भी कई प्रकार के आ सकते हैं लेकिन अपने इनका 2 ही प्रकारों का अध्ययन है, यानी नीले से लाल और लाल से नीला। तो नीला जो लिटमस पत्र है उस पर जैसे अम्ल की बूंद डाली जाएगी तो ये लाल हो जाएगा, ये लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अम्ल की विशेष पहचान है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब जैसे ये परिभाषा आपने पढ़ी है, इस परिभाषाओं के अब कुछ उदाहरणों का भी अपने जिक्र करते हैं कि वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, क्या उनके स्रोत हैं, क्या उनके प्राकृतिक
अम्ल कौन से हैं, उनके किस प्रकार से वो बनाए जाते हैं, कैसे प्राप्त किए जाते हैं। तो अपने एक उदाहरण लेते हैं इसमें। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं तो मैंने लिया सिरका। क्या लिया? सिरका। सिरका जो है बच्चों वो एसिटिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? एसिटिक अम्ल से प्राप्त होता है। तो सिरके में एसिटिक अम्ल हो गया। और संतरा और नींबू जो होता है, दूसरा उदाहरण अपने लें इसका, जैसे एक मैं लिखता हूँ संतरा और एक मैं लिखता हूँ नींबू। दोनों चीज़ आपने देखी होंगी, दोनों चीज़ अपने घरों में यूज लेते हैं। संतरा बड़ा होता है और नींबू छोटा होता है, और दोनों ही खटाई वाली वस्तुएं हैं। अपने घरों में नॉर्मली इसको यूज़ करते हैं। नींबू भी खट्टा होता है और संतरा भी खट्टा होता है, फलों के रूप में भी काम आते हैं ये। तो संतरा और जो नींबू है बच्चों, इनमें सिट्रिक एसिड की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा पाई जाती है? सिट्रिक एसिड अर्थात सिट्रिक अम्ल। ये जो सिट्रिक अम्ल है, इसका वैसे चाहे संतरा हो चाहे नींबू हो, दोनों में ये पाया जाता है। इसका एक नाम अपने और भी बता सकते हैं, एस्कोर्बिक अम्ल। एक नाम और क्या बता सकते हैं इसका? एस्कोर्बिक अम्ल। ये हो गया, संतरे और नींबू में एस्कोर्बिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार और भी उदाहरण हैं, जैसे अपने घरों में काम में लेते हैं एक और इसी प्रकार का पदार्थ है, तो उसका नाम है इमली। उसका नाम क्या है? इमली। और इमली में बच्चों क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है, ठीक है ना। और एक जैसे और उदाहरण की अपने बात करें तो टमाटर हो गया। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। और भी दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें काम आती हैं। जैसे खट्टा दूध या दही जो होता है, अपने घरों में जो होता है खट्टा दूध या जो दही होता है, उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक एसिड इसमें पाया जाता है। ये जो चीज़ें मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, इनको आप अच्छे ढंग से पढ़ना, अच्छे ढंग से तैयार करना। इस पर भी कई बार बोर्ड द्वारा जो अपना राजस्थान बोर्ड है वो क्वेश्चन कर लेता है कि कौन से में कौन सी चीज़ पाई जाती है। और ये चीज़ें जो एग्ज़ाम है अपने 10th क्लास के, उनमें तो पूछी ही जाती हैं। बाकी इसके अलावा ये जो कंपटीशन एग्ज़ाम अपने जो देते हैं, उनमें भी ये चीज़ें बहुत ही कारगर हैं बच्चों। तो इनको ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं, न कि इस क्लास के लिहाज से भी, बल्कि अपने जो कंपटीशन एग्ज़ाम अपने फाइट करते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें भी इसका यूज़ आजकल विज्ञान गणित ये चीज़ें तो नॉर्मली आ रही हैं, तो विज्ञान उसमें एक महत्वपूर्ण भाग है। मतलब जनरल नॉलेज जीके के बाद में विज्ञान इसमें ज़्यादा काम में आती है, तो ये चीज़ें उसमें भी पूछी जाती है। अब जैसे इसके बाद में एक लाल चिंटी होती है, अपने घरों में भी जो देखने को मिलती है, इसमें इसका जो डंक होता है, लाल चिंटी का जो डंक होता है, चिंटी जब डंक लगाती है तो अपने को दर्द का अनुभव होता है ना, तो उस डंक के अंदर फार्मिक अम्ल पाया जाता है बच्चों। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल इसको
एक नाम और से भी अपने जानते हैं, फार्मी कमल को दूसरे नाम से भी अपने जानते हैं, और उसका नाम होता है मेथेनोइक एसिड। क्या होता है? मेथेनोइक एसिड या अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, ये फार्मी कमल का दूसरा नाम भी है। तो वैसे ये नाम कुछ नए जरूर हैं आपको देखने के लिए, लेकिन इसमें आपको याद करना होगा इनको और समझना होगा, क्योंकि एक बार आप नई क्लास में प्रवेश कर रहे हो तो इन नामों को आपको याद करना पड़ेगा। कौन से जो सोर्स है वो कहाँ से अपने को प्राप्त होते हैं, तो उनको अच्छे ढंग से समझना होगा। एक जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपने इस पर। जठर रस जो होता है अपने शरीर में, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HCl, ये पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो अपने पेट के अंदर भी बनता है, पेट के अंदर जो ये क्रिएट होता है, जो अपने शरीर में अम्लता को बढ़ाता है, और उस अम्लता को सही करने के लिए, जैसे आपने कई बार आपने देखा होगा अपने पेट में एसिड बनने लगता है, तो इसी के कारण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। तो ये तो हुआ बच्चों अम्ल का अध्ययन। तो अम्ल अपने इसमें क्या पढ़ा, अम्ल क्या चीज़ है दैनिक जीवन में, रसायन में सबसे पहले अपने अम्ल पढ़ा। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, सबसे पहली डेफिनेशन ये है इसकी। स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। जब अपने मुंह में लेते हैं किसी वस्तु को, तो यदि खटाई का अनुभव हो रहा है तो वो अम्ल है। और दूसरा फिर इसमें क्या था कि ये अंग्रेजी में इसको एसिड शब्द से बताते हैं, और लैटिन भाषा में जो वैज्ञानिकों ने परिचय दिया उसमें इसको एसिडस नाम से बताया गया, या एसिडस नाम उन्होंने इसका बताया। जैसे ये यहाँ अपने ऊपर लिख रखा है, एसिडस नाम से इसको बता रखा है। अब अपने आगे अध्ययन करेंगे क्षार का। क्षार, अब इन दोनों टॉपिकों में बच्चों एक नॉर्मली क्वेश्चन आसानी से बन जाता है, 2 नंबर का या 3 नंबर का, और वो क्वेश्चन क्या है कि अम्ल और क्षार में अंतर बताओ। ये नॉर्मली क्वेश्चन लगभग लगभग 90-95% ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो परिभाषा भी बन जाती है इनसे, और इनके अंतर भी हो गए, तो इसको आप अच्छे ढंग से सरल कर सकते हो। डिफरेंस में जैसे ये तो खट्टा होता है अम्ल, और ये स्वाद में कड़वा होता है। क्षार स्वाद में कैसा होता है? कड़वा। क्षार जो है वो स्वाद में कड़वा होता है, और वो जो अम्ल है वो स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। और दूसरी पहचान की बात करें तो ये अगर अपने इसको छूते हैं तो ये साबुन जैसा चिकना होता है। साबुन जैसा क्या होता है? चिकना। साबुन जैसा चिकना होता है ये क्षार जो है, इसकी पहचान क्या होती है कि ये साबुन जैसा चिकना होता है, ये इसके पहचान में होगी। अब दूसरा जो विशेष अंतर है इसका, जैसे इसमें ऊपर पढ़ा था आपने कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल अम्ल। और ये इसका उल्टा काम करता है, जस्ट इसका अपोजिट है। ये क्या करेगा? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? नीला, लाल को नीले में कन्वर्ट कर देता है। ये इसकी पहचान है। ये हो गया क्षार। तो अम्ल और क्षार में अंतर हो गया। इस पर एक क्वेश्चन आ जाता है, अम्ल और क्षार में अंतर बताओ, अमूमन ये चीज पूछ ली जाती है। अब जैसे इसमें अपने उदाहरण पढ़े अम्ल में, वैसे इसके भी कुछ एग्जाम्पल अपने जान लेते हैं क्षार के भी, कि क्षार में कौन कौन से आते हैं। उदाहरणों से पहले एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा, तो इसको भी आप ध्यान में रखना कि जो क्षार जो होता है ये जल में विलय होता है। क्षार है ये जल में क्या होता है? विलय होता है। विलय यानी ये घुल जाता है पानी में। क्षार है वो पानी में क्या होता है? घुल जाता है। और दूसरा इसका गुण होता है कि इसमें अम्लों को उदासीन करने का गुण भी पाया जाता है। अम्लों को क्या कर देता है ये? उदासीन।
अम्लों को उदासीन करने का गुण भी पाया जाता है, अम्लों को उदासीन कर देता है, ये गुण भी इसमें विशेष रूप से पाया जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है, ये नोट में आप इसको लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। अब अपने इसके एग्जाम्पलों की बात करते हैं, तो क्षार का जैसे एग्जाम्पल है, पहला मैं उदाहरण लेता हूँ इसका, NaOH। क्षार का पहला उदाहरण क्या लेता हूँ, NaOH, जिसको विज्ञान की भाषा में सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये इसका नाम हो गया। इसी प्रकार इसके कुछ और एग्जाम्पल भी हैं बच्चों, जैसे एक और हो गया KOH। KOH का जो नाम है वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH का नाम क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये K क्या होता है, पोटेशियम होता है, और ये हाइड्रोक्साइड हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और एक और एग्जाम्पल है MgOH की होल ट्वाइस। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, MgOH की होल ट्वाइस, ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो MgOH की होल ट्वाइस का सूत्र क्या हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैं इसको नीचे वैसे क्रम में लिख देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, KOH यहाँ लिख देता हूँ। इसका नाम क्या होता है, MgOH का, तो ये यहाँ MgOH की होल ट्वाइस है, इसका नाम तो ये यहाँ आ गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। KOH जो मैंने यहाँ ऊपर लिखा है उसका नाम लिख देता हूँ, इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और चौथा जो एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल यहाँ ऊपर आ गया है, ये मैं इसको क्रम से लिख देता हूँ ताकि आप इसको ढंग से क्रिएट कर सको नोट्स के रूप में। अगला है CaOH की होल ट्वाइस, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए इसके। एक आधा और लिख देता हूँ मैं, जैसे एक और हो गया मान लो NH4OH। इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो ये अम्ल और क्षार में अंतर हो गया। ठीक है, अम्ल और क्षार में अंतर हो गया, ये इसके सूत्र हो गए। अब जैसे ये तो डिफरेंस हो गया, अम्ल और क्षार में क्या हो गया, डिफरेंस। अब मैं आपको एक विशेष बात बताने जा रहा हूँ जो आप नोट में लिखेंगे, विशेष महत्वपूर्ण बात है इसमें दोनों में, कि पहली तो क्या है कि अम्ल और क्षार जल में विलय होते हैं, दोनों के दोनों, अम्ल हो या क्षार हो, जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। अर्थात ये पानी में घुलते हैं, घुलनशील होते हैं। अम्ल और क्षार दोनों जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि यदि, दूसरी बात क्या है कि यदि
अम्ल वो क्षार की तुलना में जल की मात्रा अधिक हो, अम्ल या क्षार की तुलना में जल की मात्रा अधिक हो तो उसे तो बच्चों तनु कहते हैं, ठीक है ना। उसे तो क्या कहते हैं, तनु कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि मान लो ये तो है पानी, ठीक है, ये तो क्या है पानी, और ये इसमें जो मैंने बीच में छोटा गोला बनाया है ये है अम्ल व क्षार। बीच वाला क्या है, अम्ल व क्षार। तो ये तो है पानी और बीच में जो बनाया है मैंने वो क्या है, अम्ल व क्षार। ये है अम्ल और ये क्या है, क्षार। तो पानी की मात्रा जब अधिक होगी और अम्ल और क्षार की मात्रा कम होगी तो इस कंडीशन को बच्चों तनु कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, तनु। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो तनु होता है, दूसरा होता है सांद्र। अब तनु का तो अपने अध्ययन कर लिया, जिसमें पानी की मात्रा अधिक और अम्ल और क्षार की मात्रा क्या हो, कम हो, तो वो क्या कहलाएगी, तनु, तनु सिचुएशन होती है। और दूसरी पोजीशन क्या है कि जिसमें इसका जस्ट अपोजिट है, ये तो हो गया अम्ल या क्षार, ये तो क्या हो गया अम्ल या क्षार, और ये जो बीच में छोटा गोला बनाया है अब QR, ये हो गया पानी। ये क्या हो गया, पानी। इसका मतलब ये हुआ कि अम्ल और क्षार ज़्यादा है, पानी कम है, अर्थात ये सिचुएशन कहलाएगी बच्चों सांद्र कंडीशन। कौन सी कहलाएगी, सांद्र। देखना, ध्यान से देखना इसको, समझना कि यदि पानी की मात्रा ज़्यादा है, अम्ल और क्षार की मात्रा पानी की तुलना में कम है, अम्ल और क्षार की मात्रा पानी की तुलना में क्या है, कम, तो वो तो बच्चों कहलाएगा तनु। वो तो क्या कहलाएगा, तनु। और इसका अपोजिट यदि अम्ल और क्षार की मात्रा ज़्यादा है, पानी की मात्रा कम है, तो वो कहलाएगा सांद्र। आप जैसे इनको अच्छे ढंग से समझना चाहो तो जब अपने लेबोरेटरी में जाते हैं रसायन विज्ञान की, तो उसमें अपने जब प्रवेश करते हैं तो आपको ये दोनों की दोनों चीज़ें मिलेंगी। तो उसमें कांच की बोतलें रखी होती हैं या जो पात्र होते हैं केमिकल डालने वाले, उस पर कहीं तो आपको लिखा मिलेगा तनु, कहीं लिखा मिलेगा सांद्र। जैसे तनु HCl या फिर सांद्र है, या कोई दूसरे जो केमिकल है उस पर किसी पर तनु होगा और किसी पर सांद्र होगा। तो H2SO4 है, जैसे H2SO4 पर भी ये लिखा मिलता है तनु H2SO4, H2SO4 होता है ना, H2SO4, इस पर भी लिखा मिलता है तनु H2SO4 या सांद्र H2SO4, ये नाम लिखे मिलते हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ लिखा है तनु H2SO4 और सांद्र H2SO4। तो जैसे मैंने आपको ऊपर क्लियर किया बच्चों कि पहली कंडीशन तो ये नोट में, अम्ल और क्षार दोनों पानी में विलय होते हैं, घुलनशील होते हैं, और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि तनु, अब H2SO4 तनु अर्थात इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, अम्ल या क्षार की मात्रा क्या होगी, कम होगी, अम्ल या क्षार की मात्रा क्या होगी, कम होगी, पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तनु में, ठीक है। और सांद्र की बात करूँ तो इसमें पानी की मात्रा तो कम होगी, सांद्र में पानी तो क्या होगा, कम होगा, तथा अम्ल व क्षार जो है वो क्या होंगे, अधिक होंगे, अम्ल और क्षार क्या होंगे, अधिक होंगे, ठीक है। ये बात आ गई समझ में। आज अपने अध्ययन किया अम्ल और क्षार का, उनके एग्जाम्पल देखें क्या क्या चीज़ इसमें आती हैं, कौन कौन से इसके उदाहरण हैं और कैसे कैसे इनको अपने दैनिक जीवन में काम में लेते हैं। तो ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है 10वीं क्लास की विज्ञान के लिए और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी। तो आज की क्लास में ही अपने इतना ही अध्ययन करेंगे। इस चीज़ को आप रिपीट करना, दोबारा पढ़ना और इसको समझने की कोशिश करना कि कैसे कैसे इसका अपने सुगमता से अध्ययन कर सकते हैं। और घर पर रहिए, सेफ रहिए, और भारत सरकार और राज्य सरकार के जो निर्देश हैं उनकी पालना कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि हम आपके लिए और मेहनत कर सकें और आपके लिए अच्छे परिणाम भी आएँ, ये भी हम कामना करते हैं आगे वाली आने वाली क्लासों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।